नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के SSP एन तमिल वनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। 11 अप्रैल को दीपक हत्या कर हुआ था फरार। आरोपी दीपक के दोस्त प्रभु और रोशन द्वारा लाखों रुपए वाहन खरीद कर रुपए डूबने पर काफी परेशान थे। लोन चुकाने के लिए परसूरी स्थित सोपोटर स्थित घर को 40 लाख रुपए में बेचे, बावजूद लोन बढ़ता जा रहा था। परिवार के साथ दोनों दोस्तों की हत्या करने की थी प्लानिंग। उसी समय ट्यूशन टीचर घर पहुंची। आरोपी दीपक ने परिवार की हत्या करने के बाद ट्यूशन टीचर का हत्या किया। ट्यूशन टीचर के शव के साथ आरोपी दीपक ने दुष्कर्म किया। इस दौरान रोशन का साला अमित पहुंच गया। इस दौरान दीपक ने तीनों पर हमला बोल दिया, जो आसपास के लोगों के आने के बाद तीनों की जान बच पाई। आरोपी दीपक घर में ताला बंद करके अपने ससुराल गया, जहां बीवी के गहने लेकर आया और पास के ज्वेलरी दुकान में गहने को 4 लाख रुपए में बेच दिया, जहां आरोपी द्वारा बैंक में रुपए जमा करने के दौरान दीपक की गिरफ्तारी हुई। इसके पास 1 लाख रुपए नकद के साथ 3 ATM, एक पैन कार्ड, चाकू बरामद हुआ। ये मुख्य कारण, ये थोड़ा सा मतलब कि अनस्टेबल माइंड का आदमी लग रहे थे और काफी अधिक है, और इन्होंने वेब सीरीज का एडिक्शन ज्यादा हो चुका था। और जब इनका लगा कि मेरे जो घर भी बिक्री हो गया, मेरे दोस्त के कहने पे, प्रभु के कहने पे, और हाईवा भी उन्हीं का अपना गाड़ी को, जो ऑलरेडी टैक्स फेल वाला वो गाड़ी को हमको चिपिंग करके दे दिया, और उनसे हमारा उनका गाड़ी रॉयल एनफील्ड भी हमको बेच दिया, और सभी पूरा पैसा हमको लेके हमको चुना कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं, ये उनको मन में आ गया था। और लॉकडाउन में उनके जो द्वारा किया गया हाईवा गाड़ी का भी ठीक तरह से आमदनी नहीं हो पा रही थी, और रोशन जो है उनका प्रभु जी का जो बगीना, वो भी इनके साथ चीटिंग करने का इनको आरोप लगा हुआ था। तो इसी कारण ये सोचा कि पहले प्रभु और रोशन हमारे साथ जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इन लोगों को सबक सिखाएंगे, पहले इनको मारेंगे, फिर मारने के बाद परिवार यदि प्रॉब्लम में रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगा करके ये पहले परिवार को अपना समाप्त करने का सूचना बनाया था। योजना के बाद जो टीचर आए थे, तो टीचर से इनको स्कूटी लेना था, टीचर को डराने के लिए कारण में उनको भी इन्होंने हत्या कर दी थी, और रोशन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अचानक रोशन के साथ वो अपना साला भी अंकित आने के कारण उनको उस योजना को सफलता नहीं बन पाई। तो फिर तुरंत अगल बगल लोगों को पता चला, पुलिस को पता चला, तुरंत हम लोग बाकी कार्रवाई करने लगे। तो सरायकेला खरसा जिले के कुकुर प्रखंड के तिरुली प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का एक ANM का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र को सैनिटाइज किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ANM कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोग डरे हुए हैं और अस्पताल आने से बच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में कोरोना संक्रमित ANM मिलने से लोग अब घर से निकलने से डर रहे हैं। तिरुली अस्पताल जाने में भी लोग कतरा रहे हैं। ऐसे पर अस्पताल गेट और केंद्र के बाहर भी सैनिटाइज किया गया है। चिड़िया रेगुलर रहती है, उनका अपने अस्तर से नोटिस के जिसमें पॉजिटिव निकला, उसी के चलते हम लोग कोविड पॉजिटिव निकला उसके चलते हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि आने वाला आप इस तरह का घटना ना हो। फिलहाल हम सैनिटाइज कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, मास्क लगाने के लिए अपील कर रहे हैं, इससे सुरक्षा के लिए। तो अभी जो नया स्टैंड आ रहा है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, तो इसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं केस, जो ये ज्यादा खतरनाक मौत ज्यादा होगा। आज पोटका अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद एवं थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास द्वारा युद्ध स्तर पर मास्क जांच अभियान चलाया गया। कोविड-19 के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करवाया गया। जो व्यक्ति बिना मास्क के पाए गए, वैसे व्यक्ति को उठक बैठक कराया गया, ताकि लोग मास्क का प्रयोग करें एवं उनको कोरोना से बचाया जा सके। पोटका अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद द्वारा सुबह के 8 बजे से ही हाथा हल्दी पोखर पोटका आदि जगहों में विभिन्न दुकानों में जाकर दुकानदारों को सचेत कर रहे हैं कि बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान ना दें और खुद मास्क पहने, ऐसा नहीं करते तो दुकानों को सील किया जाएगा। समझाया जा रहा है, डिस्टेंस बनाते रहें, मार्केटिंग करते हैं, मास्क पहने, दुकानदार दुकानों ग्राहक दुकानें, क्योंकि आंकड़ा बढ़ते जा रहा है ना, अभी तक 1 साल से ज़्यादा होने चला, वैक्सीन आने के बाद भी बीमारी आरोप नहीं होता। समझाया जा रहा है कि दूरी बना कर रहे, मैं तो सुना फिर कम्प्लीटली लॉकडाउन लगने के बाद लोगों को फिर और भी समस्या आई है। सरायकेला खरसा जिले के कुकुर प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन द्वारा मास्क चेकिंग अभियान सहित जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।
तिरोड़ी में बस, कार और बाइक को रोककर मास्क जांच किया गया। वहीं पुलिस द्वारा मास्क का भी वितरण किया गया। क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को बढ़ते कोरोना से सावधान रहने, मास्क का प्रयोग करने, शारीरिक दूरी का पालन करने तथा बहुत आवश्यक कार्य हेतु ही घर से निकलने का चेतावनी दिया गया। वहीं बाजार और चौक चौराहे में माइकिंग का भी प्रचार किया गया। बस में चढ़कर सवारियों को मास्क पहनकर सफर करने की अपील की। वहीं सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में कड़ाई से निपटने का भी चेतावनी दिया गया। तिरोड़ी थाना क्षेत्र में हर गांव में जा जा कर मास्क का प्रचार किया जा रहा है और मास्क भी दिया जा रहा है, और जो भी नहीं लगा के चलते हैं मास्क खरीद कर भी लगा के 100% आदमी बिना मास्क के किसी को तिरोड़ी इलाका में नहीं चलने देंगे। वरीय पदाधिकारी का आदेशानुसार आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सहनी रंजित प्रसाद, तिरोड़ी थाना। धनबाद से इंद्रिय विधायक इंद्रजीत महतो जो कोरोना संक्रमित हुए थे और धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में इलाज चल रहा था, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे लेकर शनिवार को धनबाद उपायुक्त की देखरेख में उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट से हैदराबाद ले जाया गया। धनबाद एशियन जालान अस्पताल से सड़क के रास्ते एम्बुलेंस से बोकारो ले जाया गया, जहां से एयरलिफ्ट से हैदराबाद ले जाया गया ताकि बेहतर इलाज हो सके। कोरोना पॉजिटिव हो गए थे मधुपुर के इलेक्शन में, उसके बाद यहां एडमिट हुए 4-5 दिन से। कल उनको अचानक उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया, बिना सपोर्ट का वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। उनको सपोर्ट देने के लिए ऑक्सीजन दिया गया है और ऑक्सीजन देने से वो फिलहाल ठीक है, आगे कोई परेशानी नहीं हो एहतियात के तौर पर इनको आगे हैदराबाद ले जाया जा रहा है, जहाँ से अच्छे डॉक्टर से इनकी इलाज होगी। इन्होंने इनका इलाज किया है जगन्नाथ महतो जी का, उन्हें डॉक्टर से अभी ठीक है। हाँ ठीक है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद बिहार सहित झारखंड राज्य में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह की माने तो आरजेडी कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाएंगे, पटाखे नहीं छोड़ेंगे, रंग अबीर गुलाल नहीं लगाएंगे। लेकिन आरजेडी परिवार में और लालू यादव के परिवार में लालू की जमानत मिलने से काफी खुशी है। जिस तरह से लगातार न्यायालय में अपनी गुहार लगा रहे थे और जिस तरह से लगातार यहाँ के लोगों की कामना थी, बिहार झारखंड के लोगों के देश के लोगों लोग चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो जेल से बाहर हों और राजनीति के जो सूझबूझ रखते हैं उसका हम सबों को लाभ मिले। आज हम समझते हैं दो जीत हुई है हमारी, एक मधुपुर का चुनाव हम जीत रहे हैं और दूसरा लालू प्रसाद यादव जी की जो जमानत स्वीकार कर ली गई है, और हमें लगता है कि इससे पूरे बिहार झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल गई, और इस खबर से निश्चित रूप से पूरे राष्ट्रीय जनता दल में एक खुशी की लहर है। और आज का दिन किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं हम सब के लिए। और आगे यही कहूँगी कि मैंने कई बार मीडिया बंधुओं से जब भी जल्दी तारीख होती थी बात करती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि जस्टिस को जो है वो डिले किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता है। और शुरू से ही हमारा जो विश्वास है न्यायालय पर वो अडिग रहा और जिसका फल आज हमें देखने को मिल रहा है। पूरी राज्य और बिहार की और देश की सामाजिक न्याय के बंदर लोग जो धार्मिक ताकत में आस्था रखते हुए ऐसे लोग आज खुशी मना रहे हैं, खुशी हैं। और क्योंकि हम लोगों को बराबर आस्था, राष्ट्रीय जनता दल को बराबर आस्था निष्ठा न्यायालय पर रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार को और पूरे देश के समाज को आस्था रखते हैं, वो सारे लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम लोग इतना खुश हैं कि इस खुशी को हम लोग चूँकि कोरोना काल है और ऊपर से आदेश है, लेकिन इस खुशी की जो इजहार हम लोग चौक चौराहे और रोड पर भी करते कि एक आम जन के नेता, गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के योद्धा का आज न्याय मिला है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था, जो हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन था कि हाफ सेंटेंस पूरा हो जाने पर बेल मिलेगी, बेल मिली है। निश्चित तौर पर पूरे भारत में जो राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले लोग हैं सब लोगों में खुशी है।
कैप्सूल्स फार्मा योर हेल्थ पार्टनर, यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1, नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers, parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launchers and more. Our address, The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836, 9431380979, 7209190979. सरायकेला खरसा जिले के चांडिल में कोरोना संक्रमण के नाम पर चांडिल थाना पुलिस के द्वारा टेम्पो चालकों की पिटाई किए जाने का विरोध में झारखंड शिक्षित बेरोजगार एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश महतो के नेतृत्व में टेम्पो चालकों ने चांडिल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विरोध दर्ज किया तथा प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टेम्पो चालक दोषी पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कर्मी सिविल ड्रेस में आए थे चांडिल चक्कर में, आके हमारे कुछ सामान्य सदस्यों को मारपीट किया, गाली गलौज किया और उन लोगों को टेम्पो स्टैंड से टेम्पो हटाने का निर्देश दिया। बोला कल से हम टेम्पो लगाने आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। और किस वजह से किया गया, किस कारण से मारपीट किया गया किसी को पता नहीं है, बताया भी नहीं है। हमने कल अनुमंडल अधिकारी से फोन में बात की, सारा विषय को सर के सामने रखा। उन्होंने बोला कि हम बात कर बताएंगे, अभी तक हम लोग कोई जवाब नहीं मिला है और ना ही अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि की गई है कि भाई हम लोग गलती किए हैं या फिर इस कारण से हम लोग मारपीट किए हैं। उसी का जवाब लेने के लिए हम लोग आज अनुमंडल परिसर में बैठे हुए हैं। वैश्विक महामारी के बीच चैती छठ अब शुरू हो चुका है। हालांकि चैती छठ को काफी कम ही महिलाएं कर पाती हैं। इसको देखते हुए जमको और मरीफेट इलाकों में घाटों की सफाई करवाई जा रही है और कुछ बाकी है, कल तक हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तालाब की हम लोगों ने कल धुलाई करके बढ़िया से पानी भरा है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए बर्दारियों के लिए। यहाँ सफाई पर भी हम लोग काफी ध्यान देते हैं। अगल बगल भी क्षेत्रों में घाट है, वहाँ भी सफाई हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकदरपुर थाना क्षेत्र के केरा गांव में अपराधियों ने गोली मारकर ईंट भट्टा के मजदूर की हत्या कर दी। मजदूर को गोली मारने के बाद दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए पैदल भाग निकले। घटना शुक्रवार की देर शाम की है। बोयो नामक जिस 40 वर्षीय मजदूर को गोली मारी गई, उसके साथियों ने आनंद फानंद में उसे चकदरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर बंदगांव प्रखंड के भालूपानी गांव का रहने वाला था और उनको अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जांच करा लगातार मैंने उस क्षेत्र में अपराधी थोड़ा सा इलाका किनारे पड़ता है तो उन लोगों को सुविधा होती है, बट हम लोग उस पर छापामारी कर रहे हैं। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए करीब 1,25,00,000 लूट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से फिलहाल 73,59,780 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इससे पता चल रहा है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट था, जिसमें 73 लाख रिकवरी हो चुकी है। तो बहुत
शीलता और त्वरिता के साथ पुलिस ने कांड को उद्धृत कर लिया है। 5 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है और 23 लाख की रिकवरी हुई है। 1 व्यक्ति जो फरार है उसकी अरेस्टिंग छापेमारी की जा रही है। देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण रूप से मतदान शुरू हुआ। कोविड के नियमों का किया जा रहा है पालन। मतदाता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मतदान में महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। सुबह से ही महिला मतदाताओं की लाइन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज मधुपुर विधानसभा के 6 प्रत्याशी का भाग्य का फैसला होगा। कैसा सुविधा कैसा है यहाँ? ठीक है, सब नियम पालन हो रहा है। सरायकेला जिले के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत छोड़ो पंचायत भवन प्रांगण में आज तेजस्विनी परियोजना की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाला गया। रैली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशा से दूर रहने के लिए आग्रह किया गया। साथ ही लोगों को नशा से होने वाले हानिकारक के बारे में भी बताया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशा से दूर रहने के लिए आग्रह किया गया, साथ ही नशा से होने वाले हानिकारक के बारे में भी बताया गया। जमशेदपुर कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन काफी सतर्कता बरत रही है। वहीं कोर्ट का प्रखंड मुख्यालय और बाल विकास कार्यालय के मुख्य गेट पर लाल रिबन बांधा गया है ताकि लोग कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और पेटीएम में ही अपना आवेदन डालें। प्रशासन ने जितना हो सकता है अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, मास्क लगा के चलिए, है ना। और इसमें ऑफिस वगैरह में लोगों को जो भी आवेदन आ रहा है उस बॉक्स में डालने कर रहे हैं, सावधानी बढ़ती जा रहा है, लोगों को सावधानी भी कर रहे हैं। दिक्कत तो हो रही है परंतु क्या किया जाए, ये संक्रमित का समय है, इसमें सबको बचना है, बचाना है। अच्छा, बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 जहां घर हड़पने को लेकर दो भाइयों के परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें बड़े भाई बुजुर्ग अनिल सिंह भूमिजर उसके परिवार के 7 महिलाओं को काफी चोट लगी। घायल परिवार के बुजुर्ग अनिल सिंह भूमिज के अनुसार वे लोग 1985 से उस घर में रह रहे हैं। पिछले 6 वर्ष पूर्व उसका मझला भाई फनी सिंह भूमिज अपने परिवार के साथ उस घर में भाड़दार के रूप में रहने की इच्छा जताई, जिस पर अनिल सिंह ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अब फनी सिंह उस घर को अपना बताकर कब्जा करना चाहता है और अपने बुजुर्ग बड़े भाई को घर से बेघर करने के जुगाड़ में है। इसी कड़ी में फनी ने अपने परिवार के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें बीच बचाव करने गए उसकी पत्नी आशा रानी सिंह, बेटी संतोषी रूपाली सोनाली और अनिल सिंह के पोता और पोती सहित 8 लोगों की जमकर पिटाई कर घायल कर दिया। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि फनी सिंह ने अवैध रूप से पानी का कनेक्शन भी लेने का प्रयास कर रहे थे। मेरे भाई को रखे थे घर में हम भाड़ा में, और वो घर को अभी जब्त करना चाह रहा है और मेरे को मारपीट किया काल पानी लेने का टाइम, और मेरे चारों बेटी को मारपीट किया, सबको हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का कपड़ा फाड़ दिया, मेरा गंजी फाड़ दिया, ये सब किया, और यही सब करके हमको बहुत तंग कर दिया है। गांव से बात की है, सारी बातों को समझ में आया है, तो थोड़ा वो हमको बुलाया है इस मामला को लेकर थाना भी आई है। और क्या मामला आपको सामने दिख रहा है? मामला ये दिख रहा है, जमीन विवाद का मामला है, और काफी दिन से जो जिनका जमीन है उनके जमीन में उनका जो बताया जा रहा है कि भाई कब्जा कर लिया है, तो क्या है कि काफी दिन से 1980 से सज रह रहे हैं, बता रहे हैं उस अनुसार से इनका जमीन है उस पे जबरदस्ती रह रहे, तो इसकी तहकीकात किया जाएगा और जाके थाना प्रभारी और छोटे बाबू से बातचीत करके इसका समस्या का समाधान जो है करने का प्रयास करेंगे। घर वाला कहना है कि भाड़ा में दिए हैं और जबकि वो भाई है। हाँ, तो भाई को ही भाड़ा में दिए थे? हाँ हाँ, भाई है वो भाड़ा में दिए थे, वो लोग भाड़ा में दिए थे, दूसरे को भाड़ा देंगे, आपको भाड़ा देंगे, इस तरह से।